तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाले बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हेलो नमस्ते, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभी टेक गुरुजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे नोकिया 9 के फीचर्स, कुछ स्पेसिफिकेशंस, उसका प्राइसिंग और वो कब तक आने वाला है। तो चलिए बात करते हैं नोकिया 9 के बारे में। दोस्तों, नोकिया जैसे कि हम सब जानते हैं कि नोकिया का नोकिया 6 आया, नोकिया P1, नोकिया ने मतलब 3-4 नोकिया 3-5 करके लॉन्च किया। लेकिन ये थोड़ा सा फोन अलग माना जा रहा है नोकिया 9 का, क्योंकि इसमें थोड़े से जो फीचर्स है वो एनहांस किए गए हैं। तो नोकिया 9 का फीचर्स बताओ तो उसका जो स्क्रीन का साइज रहेगा वो रहेगा 5.5 इंच का एमोलेड डिस्प्ले का स्क्रीन रहेगा, जिसकी रिजोल्यूशन रहेगी 1440x2560 का उसका रिजोल्यूशन रहेगा। तो देखिए भाई, 5.5 इंच का स्क्रीन एमोलेड डिस्प्ले के साथ आ रहा है तो बारीकी आपको अच्छी तरीके से दिखेंगी, जो कलर कॉन्ट्रेक्शन रहेगा वो अच्छा रहेगा। और इसमें ना गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन दिया है तो एक सेफ्टी के मेजर में भी अच्छा रहेगा कि फोन गिरता है तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि गोरिल्ला ग्लास दिया गया है। अब बात करते हैं मेन पॉइंट की, जो कि है प्रोसेसर। तो इसमें जो लगाया है प्रोसेसर उन्होंने नोकिया 9 में, वो है कॉलकॉम का स्नैपड्रैगन 835। जी हाँ, कॉलकॉम का स्नैपड्रैगन 835 जो कि लेटेस्ट चिपसेट है। और इसमें जो उन्होंने जीपीयू लगाया है वो है एड्रीनो का 540 का जीपीयू लगाया है। तो भाई सोचिए, 835 प्रोसेसर और जीपीयू 540 का, तो आपका गेमिंग परफॉर्मेंस या फिर बोल सकते हैं गेमिंग बहुत ही अच्छा जाने वाला है। फोन हैंग नहीं होगा क्योंकि वो 835 ऑक्टाकोर बेस प्रोसेसर है, 14 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बनाया गया, 64 आर्किटेक्ट है, वो आर्किटेक्ट के डिजाइन पर बिल्ड किया गया है। तो सोचिए भाई, प्रोसेसर तो एकदम बढ़िया दिया गया है। अब बात करते हैं मेन कैमरा के बारे में। तो कैमरा की बात करूँ तो कैमरा इसमें बहुत ही धांसू दिया गया है। 41 मेगापिक्सल का इसका बैक कैमरा दिया गया है। जी हाँ, 41 मेगापिक्सल का। अभी ये 100% क्लियर मैं भी नहीं हूँ, क्योंकि 41 मेगापिक्सल मैंने 2-3 जगह पे चेक किया तो 41 मेगापिक्सल ही बता रहा है। तो यार, 41 मेगापिक्सल रियर कैमरा, और फ्रंट कैमरा की बात करूँ तो वो 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा आता है। तो ठीक है यार, मतलब बैक कैमरा तो ऐसा है कि DSLR लेने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि 41 मेगापिक्सल यार बहुत ही रेयरली, मैंने तो कभी नोकिया एक जमाने में देता था एक फोन में, उसके बाद तो मैंने कभी नहीं देखा। अब बात करते हैं उसके बैटरी के बारे में। तो ये आएगा नॉन रिमूवेबल 3500 mAh की बैटरी के साथ। तो ठीक है, बैटरी बैकअप भी आपको ठीक ठाक मिल जाएगा, 6-7-8 घंटे तक आपका नॉर्मली चल जाएगा फोन। अब रैम की बात करूँ तो ये आएगा 6GB के रैम, और इंटरनल स्टोरेज की बात करूँ तो ये 64GB और 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। तो ठीक है, और 835 के साथ रैम मैनेजमेंट भी अच्छा रहेगा, क्योंकि 6GB का रैम है और इंटरनल स्टोरेज भी देखे जाए तो ठीक है, 64GB और 128GB काफी रहेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ तो ये आएगा लेटेस्ट एंड्रॉइड 7.0 नॉर्बिट के साथ। तो यार, सब कुछ लेटेस्ट ही दे रहा है नोकिया, तो बोल सकते हैं नोकिया 9 बहुत जय बाबा भाई नोकिया को बोल सकते हैं। तो यही है दोस्तों उसका कुछ फीचर्स। अब बात करते हैं प्राइसिंग के बारे में। तो प्राइसिंग मेरे हिसाब से करीबन लीक निकल के आया है वो है करीबन 35,000 से लेके 40,000 के बीच में। अगर इस प्राइसिंग में आता है तो मैं तो रिकमेंड करूंगा सबको लेने का, क्योंकि बहुत ही बढ़िया चिपसेट भी दिया है, कैमरा भी दिया, और हम फोन में यही सब देखते हैं, चिपसेट और कैमरा ही देखते हैं। तो अगर इसके दोनों को मद्देनजर रखते हुए 40,000 भी आता है तो भी मैं बोलूंगा यार एकदम, मतलब आग बंद करके एकदम धाड़ खरीदो डायरेक्टली। तो यही है दोस्तों नोकिया 9 का कुछ फीचर स्पेसिफिकेशंस। अब ये इंडिया में कब तक आएगा तो अभी तक ये रिलीज भी नहीं हुआ है, ऐसा कुछ टीजर निकल के आया है। अब रिलीज की बात करूँ तो ये शायद आपको अप्रैल लास्ट या मई तक आएगा, और इंडिया में तो जानते हो कि कहीं भी फोन लॉन्च होता है उसके 1 महीने बाद ही इंडिया में आता है। तो समझ लीजिए मई में रिलीज होगा तो कब तक आ सकता है। तो ये दोस्तों नोकिया 9 का कुछ फीचर्स और स्पेसिफिकेशन। आ सकता है तो ये फीचर्स और स्पेसिफिकेशन अभी टेक की तरफ से दिया गया, पसंद आया अगर आप दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, सबसे का लोगो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, लोगो पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बने रहिए अभी टेक के साथ, बोलते रहिए जय हिंद, पीस आउट।